सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो देखिए, आज हम कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए नरेशन के क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे जल्दी से जल्दी सोल्व कर पाएँ, आज हम वो ट्रिक देखेंगे। देखिए, हमें इस क्वेश्चन को वैसे पूरा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम इस ऑप्शन की सहायता से ही इनको देखते ही सोल्व कर सकते हैं। देखिए, चार ऑप्शन है तो ऑब्वियसली जो आंसर होगा वो चारों में से ही होगा। तो देखिए, हम कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर हमें इतना भी पता है कि टेंस का चेंज कैसे होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो हमें पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है सेंटेंस के अंदर। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट सेड द डॉक्टर, मीन्स इसमें कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका मतलब ये होगा कि इनडायरेक्ट के अंदर कौन सा टेंस होगा, इनडायरेक्ट के अंदर होगा पास्ट कंटिन्यू टेंस। तो हमें देखना है कि जो चार ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा टेंस है, कौन सा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को पास्ट कंटिन्यू टेंस में चेंज कर रहा है। तो देखिए, द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग आर गोइंग टू बी ऑल राइट, तो प्रेजेंट टेंस है, तो आंसर नहीं होगा। बी भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट, तो इसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज हुआ है, तो ये भी गलत होगा। सी ऑप्शन में विल बी ऑल राइट का यूज हुआ है, मीन्स किसका यूज हुआ है इसमें, इसमें फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में सिर्फ डी ऑप्शन है जिसके अंदर पास्ट कंटिन्यू टेंस का यूज हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए, हमें देखते ही इसका आंसर पता चल गया। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए था कि टेंस का कन्वर्जन कैसे होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो हमने पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को पास्ट सिंपल में बदल देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को हम पास्ट कंटिन्यू टेंस से बदल देंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में आगे कोई चेंज नहीं होगा, तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस दिया हुआ था, तो हमें पास्ट कंटिन्यू टेंस में बदलना था, तो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है डी में, तो देखते ही हमारा आंसर क्या हो गया, डी हो गया। तो इस तरह से हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके सिर्फ मात्र 5 सेकेंड में आंसर दे सकते हैं, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इज ही ऑल राइट नाउ, आई आस्केड माई नेबर्स वाइफ अबाउट हर हस्बैंड मिस्टर गुल्यानी। तो देखिए, हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो हमने सबसे पहले देखा, इज ही ऑल राइट नाउ, आई आस्केड माई नेबर्स वाइफ अबाउट हर हस्बैंड मिस्टर गुल्यानी, मीन्स ये सेंटेंस डायरेक्ट के अंदर है और हमें इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कि सेंटेंस कौन सा है। तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और हर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और इज ही ऑल राइट नाउ, इसका मतलब है इसके अंदर कौन से टेंस का यूज हुआ है, इसके अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। इसका मतलब जो इनडायरेक्ट सेंटेंस बनेगा उसमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ होगा। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है। पहला ऑप्शन है, आई आस्केड मिस्टर गुलानी माई नेबर्स वाइफ इफ़ हर हस्बैंड वॉज ऑल राइट देन, यानी इसमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है, तो ये इसका आंसर हो सकता है। बाकी ऑप्शन और चेक करते हैं, तो बी ऑप्शन में आई आस्केड मिस्टर गुल्यानी माई नेबर्स वाइफ इफ़ हर हस्बैंड इज ऑल राइट नाउ, मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन है, आई आस्केड मिस्टर गुल्यानी माई नेबर्स वाइफ इफ़ यूर हस्बैंड विल बी ऑल राइट नाउ, यानी विल बी ऑल राइट का यूज हुआ है, मीन्स फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। आई आस्केड मिस्टर गुल्यानी, डी ऑप्शन है, आई आस्केड मिस्टर गुल्यानी माई नेबर्स वाइफ इफ हर हस्बैंड हैड बिकम ऑल राइट देन, मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। हमें इसका आंसर क्या होगा, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस में बदल जाए, तो ए ही ऑप्शन में सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, ओनली टेंस से ही हमें पता चल गया कि इसको आंसर क्या होगा। तो इस तरह से हम आसानी से ऐसे क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं एग्जाम में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सीजीएल 2021 में आफ्टरनून शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो कितना आसानी से हम इसको सोल्व कर सकते हैं विद 100% एक्यूरेसी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, रीड द इंस्ट्रक्शंस बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग द डिश डिपाज मदर सेड टू हर। अब हमें बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। देखिए, क्वेश्चन देखते ही हमें पता चल गया है कि डायरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा का यूज हुआ है,
और जो भी स्पीकर या वक्ता का कथन है वो सेम वैसा का वैसा ही है, मीन्स डायरेक्ट सेंटेंस है। तो हमें इनडायरेक्ट बनाना है, ऑप्शन की सहायता से हमें बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो देखिए इसको हम टेंस से भी सोल्व कर सकते हैं और प्रनाउन से भी सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको प्रनाउन से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए तो हमें पता है ये सेंटेंस कैसा है, इंपरेटिव सेंटेंस है। क्यों इंपरेटिव सेंटेंस क्यों है, क्योंकि मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है। रीड क्या है, मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो मीन्स इसमें कंजक्शन है वो टू का यूज़ होगा। तो चारों ऑप्शन में टू कंजक्शन का यूज़ हुआ है, मीन्स ये तो इनफ नहीं है इसका आंसर पता करने के लिए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, प्रनाउन को चेंज करके देखते हैं। तो यू है वो किसके अनुसार चेंज होगा, हर के अनुसार। तो मीन्स क्या आएगा, सी आएगा। तो देखिए किस किस में यूज़ हुआ है, सी ए में नहीं हुआ, यू यूज़ हुआ है तो ये आंसर नहीं होगा। बी में भी यू हुआ यूज़ हुआ है तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। सी में सी यूज़ हुआ है और डी में सी यूज़ हुआ है, मीन्स इसका आंसर होगा सी या डी में से ही कोई होगा। तो देखिए अब हम देखते हैं कि टेंस में जाते हैं। अब प्रनाउन से सोल्व नहीं हो रहा है क्योंकि दो ऑप्शन आ गए हैं सी और डी। तो टेंस है, हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ हुआ है, तो मीन्स इन डायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होगा। तो कौन से ऑप्शन में सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ हुआ है, ए के ऑप्शन में हुआ है, सी ऑप्शन में, सी स्टार्टेड मेकिंग द डिश। तो सी ऑप्शन ही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करना। तो इसका आंसर क्या होगा, सी।